हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। हम गार्डनर्स के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं अपने घर में, जो ये वेस्ट मटेरियल होता है, बहुत सारी चीज़ें जिसे हम कूड़े में डालने की सोचते हैं, लेकिन मेरी तरह शायद आप लोग भी सोचते होंगे कि अरे इसे गार्डन में यूज़ कर लो। तो मैं अपने गार्डन में, जैसे मैंने बहुत सारे मनी प्लांट लगाए हुए हैं, आपसे मैंने वीडियो में शेयर भी किया है, तो ये पानी में भी लगाए हुए हैं, मिट्टी में तो मैंने आपको बाहर वेड़े में शो किया था। ये पानी में लगा हुआ ये बड़े वाला मनी प्लांट, तो ये जैसे ये मेरा कॉफ़ी का जार था, कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद ये वेस्ट हो गया, लेकिन इतने बड़े जार को ना फेंकने का मन नहीं किया। दो जार में मैंने आम का अचार डाला हुआ है और ये जो एक जार है इसमें फिर मैंने ये बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट लगा दिया, पानी में लगा हुआ है, और इसको मैं वेड़े में ही रखती हूँ छाया में एकदम। ये वाला जो जार है ये टूट गया था, ये देखिए टूटा हुआ है यहाँ से, और इसको मैंने किचन की खिड़की पे बाहर की तरफ टांगा हुआ है, रहता छाया में ही है लेकिन ये इसमें मनी प्लांट ऐसे इस ऐसे लटका रहता है। तो ये भी यूज़ हो गया, ये तो वैसे क्रैक भी हो गया था। ये पानी की बॉटल जब पुरानी हो जाती हैं तो फिर हम प्लास्टिक की बॉटल तो हर सीज़न में चेंज करते हैं, तो ये जब वेस्ट हो गई थी तो फिर मैंने ये कलर ब्राइट सा अच्छा लग रहा था, मैंने इसको किचन के बाहर ऐसे मनी प्लांट पानी में लगा दिया। और ये वाली जो तीन बॉटल्स मैं आपको दिखाती हूँ मल्टी कलर, ये अच्छी ब्रांड की वो थी बॉटल्स, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैंने फेंक दूँ, लेकिन चेंज करना ज़रूरी है। अभी आजकल तो वैसे भी प्लास्टिक को यूज़ नहीं करते, तो मैंने सारी स्टील की बॉटल्स ले लिया और इनको जैसे मैंने यूज़ किया मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने तीनों बॉटल में अलग अलग लेवल पर ये बांध ली है रिबन्स। ये रिबन्स भी ऐसे हैं जो ये हमारे घर में मिठाई के डब्बे आते हैं, तो उनकी पैकिंग में इनको यूज़ किया जाता है, ये देखिए। तो मैंने इनको फेंका नहीं, इसके लिए यूज़ करने के लिए मैंने रख लिया था, और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इनको बाथरूम में हैंग किया हुआ और ऐसे नॉट लगा के, और ये कर्टन वाला जो छल्ला होता है इसको मैंने लगा के, और इस तरह से अलग अलग लेवल पे तीनों को, तीन कलर को ऐसे हैंग किया हुआ है, ये देखिए। अभी मैं उतार के लाई हूँ क्लीन करने के लिए, तो मैं आने के आपसे आपको शो करती हूँ इस तरह से। और बड़ा अच्छा लगता है ये सबको, जो भी बाथरूम में भी जाता है वो भी बोलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है आपका, और मेरी बॉटल्स भी यूज़ हो गई हैं। तो इनकी मैं टाइम टाइम पे इनकी सफाई भी करती हूँ, वीक में एक बार दो बार इनको निकाल के इनकी जड़ों की सफाई मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बाहर था ये, तो इसकी जड़ें थोड़ी मिट्टी विट्टी लग के काली हो जाती, तो मैंने इनको वॉश करके अभी लगाया है। तो इस तरह से मैं हफ्ते में एक बार दो बार इनको वॉश भी करती हूँ और पानी भी चेंज कर देती हूँ, आजकल तो पानी सूख भी बहुत ज़्यादा है। और एक मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है फ्रेंड्स, ये जो हम बॉटल्स में लगाते हैं तो ये इस तरह से हैंग होती रहती हैं, तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ये, मेरे पास ये देखिए ये बॉल पड़ा हुआ है, ये मेरे घर में फिट नहीं हो रहा, ना किसी अलमीरा में कबर्ड में और ना ही फ्रिज में, तो इसके साथ में ये ऐसे ढक्कन वाला है इस तरह से, तो ये कहीं भी फिट नहीं हो रहा था। वैसे भी फ्लैट्स में इतना स्पेस कहाँ होता है कि हर चीज़ को सजाने की या यूज़ करने की सोचें भी, तो मैंने इस बॉल को बहुत दिन तक तो रखे रखा इसमें। फिर मैंने क्या किया, ये अपनी मनी प्लांट के कुछ इस तरह से तोड़ तोड़ के और इसको ऐसे थ्रेड से मैंने बांधा हुआ है, तो मैं चाहती थी कि ये हैंग ना हो, ये ट्री की लुक दे, तो मैंने इसको यहाँ से बांध दिया, और यहाँ से भी मैं इसको और थोड़ा बांध देती हूँ। ये देखिए ये भी वेस्ट मेरे पास वो पड़ा हुआ है गोटा, तो इसके साथ मैं यहाँ ऐसे इसको टाइट करके बांध देती हूँ ऐसे। पहले मैंने इसे थ्रेड से बांधा हुआ है, और ये मैंने इसमें स्टोन्स डाले हैं कलर, हीलिंग स्टोन्स हैं वैसे ही, तो मैंने इनके बीच में ऐसे पानी भर के बॉल में, और इनके बीच में इसको सहारा दे के ऐसे खड़ा किया हुआ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ी सी डिफरेंट भी लुक है। और इसका पानी, पंखे की हवा पंखा चलता है तो बड़ी जल्दी से सूख भी जाता है, आज भी मैंने मॉर्निंग में पानी डाला तो इसमें ख़त्म ही हो गया था पानी। तो वैसे भी देखिए आप, हो सकता है आपको भी पसंद आएगा। मैंने इसको ऐसे करके, और नीचे ये ब्राइट सी ट्रे है, ये भी वेस्ट थी, इसमें ड्राई फ्रूट्स आए हुए थे गिफ्ट में,
तो मैंने इसको इसके साथ ऐसे डेकोरेट करके अपने ड्राइंग रूम में लगा। तो फ्रेंड्स जो इसका इस बॉल का जो लिड है ना, वो ये बहुत ही डेकोरेटिव सा बड़ा ब्यूटीफुल सा है, तो ये भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। ये इस तरह की प्लेट में जब हम मक्खन लेके आते हैं तो मक्खन को रखने के लिए भी हमें वो कुछ ना कुछ बर्तन चाहिए होता है, तो ऐसे प्लेट में रख के मक्खन को इस तरह से लिड लगा के रखूँगी। मैंने मार्केट में देखा इस तरह के ही आते हैं मक्खन रखने के लिए, तो ये इस तरह से यूज़ हो जाएगा, तो मैंने तो यही सोचा है। आपके पास कोई आइडिया तो आप बताइए। और जिस तरह से मैंने ये मनी प्लांट लगाया है अपने घर में, इसी तरह से आप और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हम पानी में ग्रो कर सकते हैं और इंडोर ग्रो कर सकते हैं, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैंने कोई ये शेयर करना था क्योंकि मैं आज ये इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वैसे भी हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट मिलता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।